Hey guys, I welcome you all to our very own station of Technomax 24/7, and this is our another video of Indian economics where we are going to start our chapter inflation. Okay, so we have heard the word inflation several times in our Indian economics and macroeconomics too. So first of all, what is inflation? So rise in general price level of any of the commodity is inflation. ठीक है, हम inflation अभी कई बार सुन चुके हैं, plus inflation की क्या क्या causes हैं, क्या क्या remedies हैं, तो वो सारी चीजें हम अपने macro economics में देख चुके हैं, plus ये सारी चीजों को हमने commercial banking और central bank वाले chapter में भी देखा था, plus हमारा जो शॉर्ट इक्विलिब्रियम लेवल था जिसमें हमने अपनी इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ा था, हमने उस पे भी इन सारी चीजों को पढ़ रखा है, बट अभी से हम एक बार फिर से शॉर्ट में ये चैप्टर देखेंगे, और जो लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके एक बार उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें इन टॉपिक से रिलेटेड फुल डिस्क्रिप्शन. ठीक, सो लेट्स कम ऑन अवर टॉपिक. So first of all, what is inflation? Inflation is the rise in general price level of any of the commodity. यानी कि inflation होती क्या है? किसी भी commodity का price level increase कर जाना, वो क्या है? Inflation है, जिससे क्या होती है? Consumer की, buyer की purchasing power जो होती है कम हो जाती है. यानी कि अगर हमें ये marker 10 rupees का मिल रहा है तो हम 4 मार्कर खरीद लेंगे, लेकिन अगर यही मार्कर 40 रुपीस का मिल रहा है तो हम सिर्फ 1 मार्कर परचेस करेंगे. ठीक है, तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप. यानी कि हमारे पास 40 रुपीस था, 10 रुपीस पर मार्कर था तो हमने 4 ले लिए, बट अगर हम 40 रुपीस का सिंगल मार्कर मिल रहा है तो हम कितना लेंगे? 1 ही लेंगे. तो ये क्या है? इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन. इसके साथ एक और होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जो अभी आपको नहीं पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रीपिंग इन्फ्लेशन. क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? जिसमें कि हमारा जो इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो है. जब हमारा इन्फ्लेशन बहुत ही स्लो रेट से बढ़ता है तो वो हमारा क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन. जैसे कि पहले इन्फ्लेशन नहीं था, अब 0 to 2% इन्फ्लेशन हो गया, तो ये हमारा क्या है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन है. क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही स्लो रेट से राइज हो गया. राइज तो किया, इन्फ्लेशन तो आया, बट बहुत ही स्लो रेट से. फिर सेकेंड हमारा है वॉकिंग इन्फ्लेशन. वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब हमारा इन्फ्लेशन स्लो रेट से जाए, यानी कि 2% to 6% हो गया. अभी क्या था? बहुत स्लो था, अब क्या हो गया? स्लो रेट से जाने लगा. अब रनिंग इन्फ्लेशन. रनिंग इन्फ्लेशन में क्या है? यानी कि हाई रेट से बढ़ना. अब क्या किया? तेज से बढ़ने लगा, यानी कि 6% से 10% हो गया. अब जो है इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगा. और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि बहुत ही फास्ट इन्फ्लेशन ग्रोथ होने लगा, यानी कि अबव 10% ये हमारा क्या हो गया? गैलोपिंग इन्फ्लेशन. यानी कि इन्फ्लेशन जो है हमारा बहुत ही हाई रेट से बढ़ना चालू हो गया. और हमारा जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो क्या होता है? वो उस कंडीशन में आता है जब हमारी इकोनॉमी में पूरी तरह रिसेशन आ जाए, हमारी इकोनॉमी एकदम बंद पड़ जाए, या हमारे इकोनॉमी में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो कि जो रुपीस, जो कमोडिटी हम 10 रुपीस में परचेस करते थे वो शायद हम 1000 रुपीस में परचेस करें, तो वो क्या होती है? हाइपर इन्फ्लेशन. बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी क्लास 12 तक. अभी हमें क्या पढ़नी है? सिर्फ 4 टाइप्स. कौन कौन सी? क्रीपिंग, जो कि बहुत ही स्लो रेट से होती है, वॉकिंग जो स्लो रेट से होती है, रनिंग हाई रेट से, और गैलोपिंग बहुत ही ज्यादा हाई रेट से. ठीक, तो ये थे हमारे
जब किसी भी कम्युनिटी का प्राइस हाई हो जाएगा, अगर हम 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं और उसमें से 80 का हम कंजम्पशन कर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्राइसेस की कमोडिटी बहुत सॉरी कमोडिटी के प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो क्या होगा कि हमारी सेविंग ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर हमारा आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी परचेसिंग पावर डिक्रीज हो गई है तो क्या होगा, हमारा कंजम्पशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कर सके। फिर इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा। प्रोड्यूसर को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन था किसी भी कमोडिटी पे वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी को उसने 10 रुपीज में बनाया था और शायद वो उसे सिर्फ 15 रुपीज में सेल कर पाता, आज वो उसी कमोडिटी को 30 रुपीज में सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ? उसको प्रॉफिट मिला, ठीक। कंज्यूमर, कंज्यूमर को अगेन क्या होगा? कंज्यूमर को होगा लॉस। क्यों लॉस होगा? क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर जो थी वो डिक्रीज हो चुकी है, अब वो ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकता, तो कंज्यूमर को क्या फेस करना पड़ेगा? लॉस फेस करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा दो और टॉपिक, लेंडर और बोरोवर। तो लेंडर को क्या होगा? लेंडर को होगा लॉस। लेंडर को क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने पैसे दिए थे तो उस पैसे की परचेसिंग पावर ज्यादा थी, बट आज जब उसको उतना ही अमाउंट रिटर्न में मिला है तो उसकी परचेसिंग पावर कम हो चुकी है। शायद उस टाइम अगर उसने 1000 रुपीज दिए थे तो उस 1000 रुपीज में वो 100 केजी ऑफ वीट परचेस कर सकता था, बट अगर आज उसको 1000 रुपीज वापस मिला तो वो सिर्फ 10 केजी परचेस कर सकता है। तो क्या हुआ? उसकी परचेसिंग पावर 90 केजी कम हो गई, तो उसको क्या होगा? लॉस फेस करना पड़ेगा। बट हमारा जो बोरोवर है, बोरोवर को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कैसे? क्योंकि जब उसने इन पैसों को लिया था तब इनकी जो परचेसिंग पावर थी वो क्या थी? बहुत ही कम थी, और आज क्या है? बहुत ही सॉरी उस टाइम बहुत ज्यादा थी और आज बहुत कम है। यानी कि जब उसने 1000 रुपीज लिए थे तो उसने 100 केजी ऑफ वीट परचेस कर लिए, बट अब जब वो पैसे वापस कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी में कितनी है? सिर्फ 10 केजी परचेस करने की। यानी कि उसकी परचेसिंग पावर, उस मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो क्या होगा? बोरोवर को हमारे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी हमने पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में आता है। तो फर्स्ट रीजन है इंक्रीज इन इनकम। क्या रीजन है? इंक्रीज इन इनकम। इनकम इंक्रीज करने से क्या होगा? जब इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होगी हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी की डिमांड करेंगे, और अगर उसकी उतनी सप्लाई नहीं है तो क्या होगा कि प्राइसेस की कमोडिटी की जो प्राइस है वो क्या होंगे? राइज कर जाएंगे, ठीक है। सेकंड हमारा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि जब पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, तो क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सपोज हम 100 केजी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है तो इतनी है कि हमें 200 केजी के प्रोडक्शन की जरूरत है, तो ये जो 100 केजी का डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी नीड है उतनी सप्लाई प्रोवाइड नहीं हो पा रही। हमारी नीड कितनी है? 200 केजी की है, बट सप्लाई हम कितने की दे पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 100 केजी की सप्लाई दे पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? सॉरी वो
हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, हमारे इन्फ्लेशन में इफेक्ट करेगी। कैसे? क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ही ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग में हमारी सप्लाई जो है वो बहुत ही कम है, तो क्या होगा, कमोडिटी के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। फिर आता है डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, हम सबने पढ़ा था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो कम हो जाती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करना उस पर स्टार्ट करती है। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की ज्यादा है और इनकम कम है, अगर उसने पब्लिक फंड्स में या पब्लिक वेलफेयर्स में ज्यादा खर्च करना स्टार्ट किया, तो क्या होगी, इकोनॉमी में जो वेल्थ है वो बढ़नी चालू होगी। तो इकोनॉमी में जब वेल्थ बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी, अपने आप इन्फ्लेशन आ जाएगा। फिर आता है नेचुरल डिजास्टर। सपोज कहीं पे अर्थक्वेक आया या फ्लड आया। अब फ्लड आया, सारी फसल बह गई, ठीक है, फ्लड आया सारी फसल बह गई, तो क्या हुआ कि अब उस कमोडिटी की सप्लाई कम हो गई, लेकिन डिमांड तो भाई हमारी उतनी ही है, डिमांड हमारी उतनी ही है, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी सप्लाई कम है, हमें जितने की जरूरत है उतना हमें नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज करेगा। फिर हमारा आता है टॉपिक वॉर, यानी कि जिस केस में हमारी दूसरे कंट्री से लड़ाई हो, वॉर हो, तो उस केस में भी हमारा इन्फ्लेशन जो है वो राइज करता है। क्यों राइज करता है, क्योंकि क्योंकि क्या होगा कि उस केस में वॉर के लिए इक्विपमेंट्स और वहां के लिए जो मटेरियल्स होंगे, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और उतनी चीजों को वहां पे प्रोवाइड करवाने से क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री में, उस चीज की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज होगा। ठीक है, तो हमारे इस टॉपिक में हमने ये देखा कि हमारी इन्फ्लेशन किस किस टाइप की होती है, क्या क्या इम्पैक्ट है जो कि हमारी इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी में पड़ता है, और किस रीजन से